सुप्रभात बच्चों, आज का विषय है हिंदी बाल राम कथा। बाल राम कथा में आज हम लोग पाठ 8 सीता की खोज का अध्ययन करेंगे। इससे पहले तक की कथा सीता हरण तक की कथा हम लोग पढ़ चुके हैं और आज सीता की खोज पढ़ेंगे। सबसे पहले कठिन शब्दों को देखें। शब्दार्थ है कटु, कड़वे, कटाक्ष, ताना मारना, संतप्त, दुखी, परेशान, विक्षिप्त, पागल, परिहास, हंसी मजाक, प्रयोजन, मतलब, असमंजस, दुविधा, तृप्त, संतुष्ट होना, निर्वासित, स्वदेश से निकाला गया। आए सारांश की ओर। सारांश है, सोने का हिरण बने मारिच को मारने के बाद राम संकित मन से कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं लक्ष्मण सीता को कुटिया में अकेला छोड़कर न आ जाए। तभी उन्हें लक्ष्मण आते हुए दिखाई दिए तो उनकी सीता के संबंध में चिंता और भी बढ़ गई। वे लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। लक्ष्मण ने उन्हें कहा कि उसे पता था कि आप सकुशल होंगे, परंतु देवी सीता के कटु वचन और उलाना सुनकर मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। राम को लक्ष्मण का उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं लगा, क्योंकि मायावी राक्षस कुछ भी कर सकते हैं। जब कुटिया दिखाई पड़ने लगी तो राम ने सीता को पुकारा कि वह कहाँ है। कुटिया से कोई जवाब न आने पर वे बेचैन होकर उन सभी स्थानों पर सीता को ढूंढने लगे जहाँ सीता हो सकती थी। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष, गोदावरी नदी आदि से सीता के बारे में पूछने लगे। उनकी दशा विक्षिप्त जैसी हो गई थी। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि तुम अयोध्या लौट जाओ, वे सीता के वियोग में यहीं अपने प्राण दे देंगे। लक्ष्मण उन्हें धैर्य रखने के लिए कहते हैं तथा मिलकर सीता की खोज करने के लिए समझाते हैं। राम सहमत हो गए। तभी आश्रम के आसपास विचरण करने वाले हिरणों का एक झुंड वहां आया तो राम ने उन हिरणों से पूछा कि बताओ सीता कहाँ है। हिरणों ने सिर उठाकर दक्षिण दिशा की ओर संकेत किया तो वे दक्षिण दिशा में सीता की खोज के लिए चल पड़े। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक टूटे हुए रथ के टुकड़े, मरे हुए घोड़े और मरा हुआ सारथी दिखाई दिया। उसके पास ही सीता की वेणी में गुथी हुई पुष्पमाला भी पड़ी हुई थी। वहां से थोड़ी दूर पर पंख कटे लहू लुहान जटायु पड़े हुए अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्होंने राम को बताया कि रावण सीता को उठाकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गया है। उसने संघर्ष करके उसे रोकना चाहा, परंतु रोक न सका। इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम जटायु की अंतिम संस्कार करके आगे बढ़े तो मार्ग में अनेक राक्षसों से जूझते हुए कबंध नामक राक्षस के हाथों में फंस गए। राम लक्ष्मण ने अपनी अपनी तलवारों से उनके हाथ काट दिए। कबंध उनकी बुद्धि और शक्ति से हैरान रह गया। उनका परिचय जानकर तथा सीता हरण की बात सुनकर उसने उन्हें कहा कि यदि राम उसका अंतिम संस्कार करे तो वह उनकी कुछ सहायता कर सकता था। राम के हाँ कहने पर उसने उन्हें पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव से सहायता लेने के लिए कहा। उसने वहाँ जाने से पहले मतंग ऋषि के आश्रम में रहने वाली शबरी से मिलने के लिए कहा। जब उसने अपने प्राण त्याग दिए तो राम ने उसका अंतिम संस्कार कर शबरी से जाकर मिले। शबरी ने भी उन्हें सुग्रीव की सहायता से सीता की खोज करने के लिए कहा। शबरी से मिलकर वे ऋषिमुख पर्वत की ओर चल पड़े। आगे की कथा हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।